Ladies and gentlemen, this is your host Ahmed Khan and you're watching Follow Me brand new episode. By the way, आज चले के हम एक लाउंज पे आए हैं और यहाँ पर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो आपको बताएंगे और उनसे बात करेंगे। चले आइए आगे चलते हैं और आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं विच इज कॉल्ड फॉलो मी। पहनों की क्या खास बात है? पहनों की खास बात ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, व्यूअर्स पहनों का लाउंज है यहाँ पे। जैसे कि आपको बताया था कि आपको यहाँ पे लोग ही बताएंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो पहनों का लाउंज है। और मुझे बताइए एक्साइटमेंट कैसी है लोगों की? बहुत, आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ क्योंकि अभी सारा सा वेडिंग सीजन इज जस्ट हियर, तो इसलिए उसके वाले से बहुत अच्छी कलेक्शन बनाई है कि जस्ट रेडी टू वेयर और इतने अच्छे फॉर्मल वेयर हैं कि आप बस खरीदे और पहने और बस शादी अटेंड करें। ओके, कलर्स होते हैं, हर सीजन के कलर होते हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, कौन से कलर प्रेफरेबल हैं और लोगों को आप बताएं? अब ये तो लड़कियों का यहाँ पर सारा सीन है, मैं अभी आ गया हूँ लेकिन फिर भी जरूरी है ना, बताइए। देखिए सर्दियों का ऑल टाइम फेवरेट जो कलर होता है वो तो व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ इट्स ब्लैक। तो ब्लैक में ही इन्होंने भी प्ले किया हुआ है, बेज में प्ले किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और वेडिंग के मतलब स्पेसिफिक कलर्स जो हैं उनको मद्देनजर डिसेंट और बड़े मज़े के वो उन्होंने मद्देनजर रखते हुए सारी कलेक्शन अभी तैयार की। थैंक यू सो मच, आई लव यू टॉकिंग टू यू। क्या पैगाम देगी? क्या पैगाम दूंगी लोगों को कि कोहिनूर टीवी देखते रहेंगे, अल्लाह वो तो देखते रहेंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे ज़्यादा दिमाग में आया, हर इंसान किसी ना किसी से जेलस होता है, आप किससे? मैं किसी से जेलस नहीं होती, प्लीज ओके ओके ओके। आपने देखा कि ये किसी से जेलस नहीं होती और ऑफ कोर्स होती होंगे, मजाक कर आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं और यहाँ पे क्या चल रहा है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। आपके तकी सुस्त क्यों? नहीं मैं थकी नहीं आया नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वेल मैंने उनके ड्रेस पहना हुआ है और बहुत अच्छे इनके ड्रेसेस हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं आगे शादियों का सीज़न आ रहा है तो हर किसी की कोशिश होती है ना। मैंने आपको देखा ना कि आप कभी यूँ जा रहे हो यूँ जा रही हो कभी यूँ जा रही हो, मैंने कहा ऐसा वेल कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डाइट होगी क्योंकि सुबह 3 बजे की रेडी होके आई हुई हूँ। 3 बजे की रेडी होके आई हुई है। ओके ना मुझे ये बताइए क्या चीज़ बेस्ट लग रही है यहाँ पे मेरे अलावा? मुझे सारा इवेंट बहुत अच्छा लग रहा है और इनके ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैंने आप देख रहे हैं कि शादियों में हर किसी की कोशिश होती है कि वो अच्छा लगे और इनके ड्रेसेस रेडी टू वेयर है, और आपके लिए इससे बेस्ट कोई चीज़ हो नहीं सकती कि आप इन आंसर गिरना चाहिएगा। मुझे पता चल रहा है आप काफ़ी ज़्यादा तकी में। ओके ना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे ये बताइए कि हर इंसान किसी न किसी से जेलस होता है, आप किससे होती? किसी से भी नहीं। मॉडल्स तो होती बिल्कुल नहीं। उसके बाल देखो, उसकी चाल देखो, उसको देखो, उसको नहीं, मैं हमारे साथ है ना जिनसे हमने बात की, चलें और लोगों के पास चलते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। भाई तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप बहुत कुछ हो रहा है, तो चलें उधर चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। भाग रही है नाम बताइए। मैं यासर जी। फातिमा। फातिमा एंड यासर कैसे हैं आप दोनों? परफेक्टली फाइन जी अल्हम्दुलिल्लाह। फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे पहनो क्या एक्सपेक्टेशन? इट्स अ न्यू ब्रांड, देखें क्या होता है। अभी तो लोग काफी एक्साइटेड हैं और ड्रेसेस भी अच्छे लग रहे हैं, लेट्स सी अब उनकी सेल्स किस तरह की। तो इसी बताना है इस ब्रांड के बारे में जो यहाँ पे चल रहा है वो बताना है आपने मेरे व्यूअर्स को, ये ना मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि जो सच हो वो बताया करें। यासर सच तो यही है जी, नया ब्रांड है, लेट्स होप। यार यासर आपस की बात है मैं तो चलो मजबूर हूँ आना तुम किस चक्कर में आ रहे? मैं भी बस इसी चक्कर में आऊँ। अच्छा वही वाला चक्कर? वही चक्कर। हम दोनों का चक्कर जी है कि यार पकड़े गए हम दोनों। ओके अगर इस बार जोक कैसा लग रहा है? परफेक्टली फाइन जी, इट्स एनवायरमेंट इज टू गुड और अच्छा मजा आ रहा है यहाँ पे डिफरेंट चीजें देख कर, तो इट्स वेरी ग्लैमरस एंड ऑब्वियसली। किस किस के लिए क्या चूज किया?
सो फार तो कुछ भी नहीं किया बेसिक पकड़े गए हो घर वालों ने भी देख लिया घर वालों को पता है अगर मैं सीमेंट पे आया तो किसके लिए आया हूँ दे नो बेटर तो अभी आई एम जस्ट वांडरिंग अराउंड देखो कुछ अगर चलो दैट्स गुड आप बताइए कि यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज क्या लगी डिजाइन बहुत अच्छे लेटेस्ट डिजाइन है और लेटेस्ट ब्लेंड है वेस्टर्न और यूनियन ईस्टर्न का तो दैट इज अ गुड थिंग एक लास्ट क्वेश्चन हर इंसान किसी ना किसी से जेलस होता है कोई एक बंदा जिससे आप जेलस होते हैं जिसको आपको लगता हो कि यार इसको नहीं होना चाहिए टक्कर है भाई नो आइडिया अभी तक फवाद खान पार्ट थैंक यू सो मच आई लव यू टॉकिंग टू यू बहुत अच्छा लगा बात करके ओके व्यूअर्स एज यू नो कि हम बात कर रहे हैं चिट चैट चल रही है और आई हैव थिंक कुछ चीजें भी करिए चलिए आइए एक यहाँ पे काम दिया चबा के सलाम अलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम चारों साथ हैं जी मतलब साथ आए हुए आई जी मैं पेनो का ओनर हूँ पेनो का ओनर दैट्स वेरी नाइस आपसे तो बात करना बहुत जरूरी है पहले मैं इनसे क्वेश्चन करूँगा इस इवेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल सही सही और बिल्कुल सच सच बताना हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं ओनर्स और ऑब्वियसली हमें टेस्ट का भी आइडिया है किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं एज कस्टमर्स भी हम बात करेंगे और स्टाइल भी जो है आजकल सो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है फैशन सेंस इनका बहुत अच्छा है जनरली जिस जो इनके कस्टमर ओवरऑल बहुत अच्छा इवेंट है पहनो ब्रश भी है लोग पसंद भी कर रहे हैं सच में बताइए हर डिज़ाइनर का एक बेस्ट डिज़ाइन होता है आपका कौन सा वेल मुझे वैसे डिज़ाइन साइड जो है दैट वो तो मेरी वाइफ हैंडल करती है यहाँ पे बट मुझे ये बताएं आप लड़कों की साइड पे क्यों नहीं लड़कियों की साइड पे बिकॉज लड़कों की मार्केट यहाँ पे क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है और पाकिस्तान में ऑनेस्टली तो उनकी मार्केट को क्रिएट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आई विल डू इट सून और लेटर आई विल चलिए थैंक यू सो मच रिगार्डिंग दिस ब्रांड किसी को भी मैसेज रिगार्डिंग दिस ब्रांड बस आप लोग ये है कि विजिट करें पेनो को PFDC मॉल 1 में क्योंकि रोज़ आप लोग जब सोचते हैं कि आप लोगों ने क्या पहनना है तो आप लोग कुछ ना कुछ पहनते ही हैं और उसी की बेस पे ये मैंने यही सोच के मैंने ये नाम रखा था पेनो टू रिलेट विद यू गाइस डायरेक्टली सो डू विजिट अस इन मॉल 1 PFDC मॉल थैंक यू सो मच आई लव यू टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच इनसे बात करना बाकी रह गया इवेंट क्या इवेंट बहुत अच्छा है और जैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इंसाना ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और आई लव थैंक यू सो मच आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे थैंक यू सो मच प्लीज ओके व्यूअर्स ये क्योंकि भाग रही थी मैंने कहा ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं बनता चलिए आइए आगे चलिए वालेकुम सलाम क्या हाल बिल्कुल ठीक आप बताएं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तानिया पहनो क्या सीन है क्या सीन है मतलब क्या पहनो इट्स पहनो आपको जो चीज आप कैरी करना चाह रहे हैं वो पहने हमेशा मैं ऐसा लड़ने लग जाती है ये पता नहीं इनके साथ क्या मसला है ओके नहीं बताइए जी जी मैं आपको ये बताऊंगी कि आज हम लोग पहनो के लॉन्च पे हैं और पहनो इट्स अ डिफरेंट ब्रांड जिस तरह के मैंने अभी वेयर किया हुआ है इसमें सेमी फॉर्मल फॉर्मल कैजुअल मतलब डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे और जब भी आप यहाँ पहनेंगे आपको बहुत अच्छी चीजें यानी पहनो ने कितने पैसे दिए तारीफ में देखो जब भी हम किसी डिजाइनर के लिए कुछ वेयर करते हैं तो उसकी तारीफ तो बनती है जरूरी है जरूरी है अच्छा मुझे ये बताओ मैं एक अलग सवाल भी पूछ रहा हूँ कि हर इंसान किसी से कुछ जेलस होता है आप किसे जेलस होते हो मैं किसी से भी नहीं होती मुझे देख रहे मुझसे क्यों जलस होना है मैं तो लड़का हूँ मैं किसी से भी नहीं होती लिटरली मैं कभी भी किसी से नहीं होती किसी से भी नहीं क्योंकि अगर आप जलस होकर अपने अंदर वो चीज जैसे आप कह सकते हो लेके आते हो लेकिन आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हो आई थिंक आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए कि आप कुछ भी जो भी है आप है बाकी सवाल जो भी है आप है डन हो गया देखने वालों को क्या मैसेज होगी एट द एंड क्या दूंगी बस अपने आप से प्यार करें और जलस होने की जरूरत नहीं है किसी से अभी भी किसी से जलस नहीं होना मसला पड़ जाएगा चलो व्यूअर्स आप बल्कि एक ब्रेक तो ले ब्रेक हम चलते हैं एक ब्रेक पे वेलकम बैक हम आ चुके ब्रेक के बाद वापस और एज यू नो पहनों के लॉन्च पर है आई कुछ फैमिली से बात करते हैं सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम का नाम समन कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक पहले तो मुझे उसका नाम बताओ आयरा 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 हाउ आर यू कैसी हैं बाय बाय कर दो बाय बाय सीधे ही बाबा ने उसके बाय बाय करवा दिया आपका नाम है ना यासिर ओके आप दोनों यहाँ पर आए हुए हैं कैसा लग रहा है मैसेज बताना है व्यूअर्स को मेरे झूठ नहीं बताना नहीं अच्छे इवेंट्स होते हैं बिलाल के
और आज मैंने इसमें शिरकत भी की है और इस ब्रांड को मैंने देखा है. डिफरेंट ब्रांड है, अच्छा है, कलेक्शन अच्छी है. कहते हैं कि कलेक्शंस अच्छे हैं कैजुअल वेयर में. ये कहते हैं ब्राइडल वेयर भी इनके पास कुछ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन आई डोंट नो. दैट्स गुड. ओके, वैसे कहते हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा खर्चा करवाती हैं. आपको यहाँ पे आते हुए डर नहीं लगता? नहीं, मुझे पता था कि इससे नहीं करेगी, क्योंकि ये मुझे पता है मेरे साथ हर लिहाज से कॉम्प्रोमाइज करती है. That's nice, that's nice. तो मुझे पता होता है. बड़ा प्यारा ड्रेस पहना, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं. आपको भी रही है, शर्मा भी रही है. ओके, वेल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे. हर इंसान किसी न किसी से जलस होता है, आप बताइए आपको एक बंदा जिससे जलस हो. सच सच मैं अपनी खुद फेवरेट हूँ और मैं कभी किसी से जलस नहीं हुई. लड़कियाँ जितनी भी मिल रही हैं वो अपनी खुद फेवरेट हैं. ओके, कुछ पसंद आ जाता है तो वो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ. वेरी नाइस. मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है, मैं किसी का अच्छा पहना देखता हूँ, किसी को अच्छा देखता हूँ, तो मुझे तो बल्कि अच्छा. अप्रिशिएट कर. हाँ बिल्कुल. मुझे व्यूअर्स यहाँ पे जेलसी बहुत कम हमें मिल रही है. दैट्स गुड. ओके, डू यू वांट टू गिव मैसेज टू समवन, किसी को भी देखने वाले? यही कहना चाहेंगे कि इनकी कलेक्शन अच्छी है और हर तरह के ड्रेसेस हैं और प्राइजेस भी देखा जाए तो डिफरेंट है. हर तरह की प्राइजेस हैं, लो लेवल पे भी हैं, हाई लेवल पे भी हैं, यानी कि यू कैन अफोर्ड इजीली. अफोर्ड कर सकते हैं. ओके, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं कुछ कह नहीं. खर्चा तो आप ही ने करना है. वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कितनी प्राइसेस होती हैं. ये इन्होंने जो बताया वो बेहतर समझती है इस चीज को. थैंक यू सो मच. आपने देखा कि हमने एक फैमिली से बात की, चले आई और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं. मुझे नहीं देना. मैंने पूछ कैसा है इवेंट? बहुत अच्छा है. क्या चीज पसंद? मुझे इलान के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगे. तो गई इवेंट किसी का, मैं भूल किसी का ना. ठीक हो गया. नो नो नो, इट्स ओके. बेसिकली रैंडमली यहां पे आई हूं. डिलीट कर. हां, मैं तो ऐसे आई हूं. अरे डिलीट कर. मैं ऐसे इधर रैंडमली आई हूं. ये बता दें डिलीट कर दें कि नहीं? मर्जी है. तो गई वैसे नाम बताइए. हेना नाम है मेरा. है ना, कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है और कौन सा कलर ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप? आजकल मुझे ग्रे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है. ग्रे, गोल्ड कलर, ये दो कलर मुझे मेरे आज. क्योंकि लड़कियाँ सीजनल होती हैं, आई मीन किसी सीजन में ग्रे, किसी में ब्लैक, तो उनके हस्बैंड को या उनके घर वालों को मसला पड़ा रहता है. शॉपिंग करवानी होती है ना? ऐसी. हाँ, मैं भी ऐसी हूँ. अच्छा है, तो कहाँ है जो आपको शॉपिंग करवानी है? खुद ही आई? नहीं नहीं, मैं अकेले आई हूँ. दैट्स गुड. डू यू वांट टू गिव मैसेज समवन? नहीं. हाँ, तो बहुत ही ज्यादा थकी भी लग रही है. थैंक यू सो मच. ओके वेलवुड जी, हिना थी, रैंडमली हमने इनसे बात की. आप और बेसिकली इस लाउंज पे नहीं थी, इस जगह पे एट ऑलमोस्ट 10 ब्रांड मौजूद हैं और डिफरेंट क्लाइंट्स आए हुए हैं. चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं, देखते हो क्या कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम? फैज़ा. कैसे, कैसा यहाँ पे लग रहा है आपको? कैसी, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी? मुझे ये बताइए सर्दियों के कलर कौन से होते हैं? कितना बोलने लगी आप एकदम लाइव. ओके, और झूठी झूठी सारी पहले अभी झूठी झूठी क्यों करे? ये एक इवेंट है, प्लीज वैरायटी बता दे. अच्छा चलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये कैसा इवेंट चल रहा है? आपने कहना बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा, ये कैसे? मैंने अभी कपड़े देखे ही नहीं है, मैं कैसे बताऊँ? ओके, इट्स अ लवली इवेंट, इवेंट बाय बिलाल मुख्तार एंड आई एम लविंग द इवेंट. मतलब बिलाल हमेशा बहुत अच्छे इवेंट के बाद है. वन थिंग एंड द अदर थिंग इज ऑब्वियसली ही इज अ न्यू डिजाइनर, पेनो इज अ न्यू ब्रांड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस ब्रांड टू यू नो. आजकल वैसे भी एवरीथिंग आ गई हैं, एकदम छा गई हैं, आपको पता ही नहीं चला. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके वीर, मुझे समझ नहीं आ रही है. मेरा ख्याल है ये जिसका भी इवेंट है ना उसने मुझे पहली और आखिरी दफा बुलाया. आज के बाद मैं आपको किसी इवेंट पे नजर नहीं आने लगा क्योंकि लोग जो कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ. चलिए आइए आगे चलते. आपको बताता हूँ आपने क्या बोलना है. मैं आपसे पूछूंगा ब्रांड कैसा है, आपने कहने बोल दिया. ठीक है, ब्रांड कैसा? बहुत अच्छा ब्रांड है. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली सना मेरी पुरानी फ्रेंड है तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, उन्होंने जो ब्रांड लॉन्च की है और द डिजाइन्स आर. अब मैं आपसे पूछूंगा कि कलर कौन सा अच्छा है और आपने कहना है ब्लैक. ठीक है, ओके. अब कलर कौन सा अच्छा चल रहा है? ब्लैक कलर. यार ब्लैक को बताइए, लाइव रिकॉर्ड हो. ओके ओके ओके, अच्छा मुझे ये बताइए पहनाव से क्या एक्सपेक्टेशन? पहनाव नहीं, पहनो पहनो से.
आपका ब्रांड ओके मैम एक्चुअली आपको बताते खुद ही अच्छा क्या एक्सपेक्टेशंस है सना खान और बल्कि सक्सेस ले और आगे जाए और ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है चलिए देखने वाले को क्या मैसेज देंगे क्या पैगाम देंगे ये जरूर सना खान के मतलब जो उन्होंने लॉन्च किया अपना ब्रांड पहने उनको जरूर आके देखें और प्रोडक्ट खरीदें आके बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच ओके व्यूअर्स ये तो थी हमारे साथ एक यहाँ पे जो आए हुए थे गेस्ट थे और भी बहुत से लोग हैं उनसे भी बात करेंगे देखते हैं क्या वो कहते हैं जी वाले आप पूछिए मुझसे अच्छा आप मेरे से मैं और बात करते रहते हैं सना को तो बचपन से मैं जानती हूँ उसका ये है कि उसको जो हम क्लास 7 में थे ना तब से सना को डिजाइनिंग का बहुत शौक था तो अब इतना ब्रांड सीरियसली घूम रही है okay, please come here. Okay, so brand launch, yes. So, अच्छा ही। जी, definitely बहुत जबरदस्त होगा क्योंकि उसकी creativity बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ये है कि वो बहुत best अपना देगी, potent करेगी। यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे आ गए। Okay. अच्छा, हर इंसान किसी से jealous होता है। आपको लगता है कि आप कभी किसी से jealous हुई हैं, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? नहीं जेलसी से आप कभी भी आगे नहीं जा सकते जेलसी में आप बैठे रहोगे अंदर अंदर या पीछे पीछे होते रहोगे तो नहीं साइड पे घूमते रहोगे ओके डू यू वांट टू गिव मैसेज समवन मैसेज मैं ये देना चाहूंगी कि आप जरूर इधर आए सना का आप ब्रांड आके देखें पहनो जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म के उनके ड्रेसेस हैं एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल लास्ट थिंग मैं चाहता हूं कि हम दोनों घूमते घूमते एक ब्रेक लें ठीक है आप मेरे साथ कहना चले आइए चलते हैं अभी ब्रेक की तरफ ओके हियर वी गो 1 2 वेलकम बैक हम आ चुके हैं ब्रेक के बाद वापस एज यू नो दैट यहाँ पे काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं और मेरे साथ सूफिया अहमद मौजूद हैं इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अच्छी हूँ हमेशा की तरह बड़ी प्यारी लग रही है क्या वजह है थैंक यू सो मच असल में मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ इसलिए अच्छी लगती हूँ बहुत ये वो है ना आंसर ओके इस ब्रांड के लॉन्च पे आए हुए हैं एक्सपेक्टेशन क्या है आई थिंक लाहौर में वैसे ही लोगों को कपड़े पहनने का बहुत शौक है और जितने भी ब्रांड्स आ रहे हैं उन सब लोगों को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है लेकिन इनका काम मुझे बहुत डिफरेंट लगा बिकॉज इतनी जगहों पर हम जाते हैं एक तो इसके कट बहुत अच्छे हैं और उसके साथ साथ इन्होंने फैंसी को और कैजुअल को बड़ा मिक्स करके ना थोड़ा सा वो एक नई लाइन दी है आई थिंक इसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो भी हम कहते हैं कि जेलसी होना अच्छी चीज भी है और जेलसी जिसमें वो आगे भी निकलने की कोशिश करता है डू यू थिंक कि होनी चाहिए जेलसी किसी हद तक ही अच्छी लगती है जब आप बिल्कुल हसद में ही चले जाएं और आप अपने आप को जलाएं तो फिर उससे आगे नहीं निकला जा सकता नहीं निकला और वैसे भी नियतों पर दारोमदार है नियतें अच्छी होनी चाहिए थोड़ा सा चालाक होना बहुत जरूरी है ओके आप क्या मैसेज देंगे देखने वालों एट दी एंड बस मैं यही कहूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखें और जो भी आपके इर्द गिर्द हैं उन सबसे मोहब्बत करें और लोगों को उनकी गलतियों पर माफ करना सीखें हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर हम ना भी बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता थैंक यू सो मच थैंक यू ये तो थी सूफिया अहमद हमारे साथ हमने इनसे बात की आइए और लोगों से बात करते हैं देखते होगा बॉलीवुड एज यू नो कि हम ऑफकोर्स ब्रांड ओनर से भी बात करते हैं और डिजाइनर से भी बात करते हैं मेरे साथ हैं यहाँ की ओनर सना इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम सना वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं अल्लाह का शुक्र पहले ये बताइए ये जो ड्रेस आपने पहना हुआ है वो डिजाइन जी बिल्कुल वाओ बहुत आला सीरियसली झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ थैंक यू सो मच मुझे ये बताइए कि इस ब्रांड से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का हूँ या अभी भी जो एक्सपेक्ट कर रही हैं क्राउड के फीडबैक से क्या लगे अब तक तो मैं बहुत थैंकफुल हो रही हूँ आई एम हैप्पी टू कि लोग माशाल्लाह आ रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं अपना फीडबैक दे रहे हैं तो इस चीज़ से मैं ज़रा थोड़ी सेटिस्फाई हूँ इंशाल्लाह आई होप लोगों को अच्छा लगे और आई रियली वांट टू से एवरीवन डू विजिट पीएफडीसी मॉल 1 एंड सी आर कलेक्शन ओके मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप डिजाइनर से वैसे पूछना नहीं चाहिए हर सीजन का कोई कलर होता है जो इन होने वाला होता है मतलब यू गाइस नो वेरी वेल इस सीजन में सर्दियों में कौन सा कलर डू यू थिंक इन हो रहा है और उस पे ज्यादा क्राउड भागेगा उसके बीच आई बिलीव डार्क ब्लूज डार्क ग्रीन बिकॉज विंटर्स में ना आपको डार्क कलर्स पहनने चाहिए
तो उस चीज़ को मैंने बड़ा आइडेंटिफाई किया है और आई थिंक वेरी नाइस नो डाउट अबाउट. अभी भी आपने ब्लू कलर पहना हुआ है, डार्क ब्लू पहना हुआ है, बहुत अच्छी लग रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके व्यूअर्स, ये तो थी सना यहाँ की जिन्होंने डिज़ाइन किया ऑनर. चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं. यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या लगे? यहाँ पर सारे ही कपड़े बहुत अच्छे हैं हमारे ख्वातीन को. आपको पता है ड्रेसेस के मामले में रोज एक नया फैशन, रोज एक नया फैशन, तो इधर सब कुछ अच्छा है. सब ख्वातीन के लिए टेंशन नहीं हो जाती? बहुत ज्यादा हो जाती है. वो टेंशन मत. नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि टेंशन वाली बात तो होती है, क्योंकि जब पहनना होता है तो सबसे बेहतर उन्हें लगना होता है. मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ, आपने इसका जवाब देना है ब्लैक कलर. ठीक है, मैं भी पूछूंगा कि कौन सा कलर पसंद है. ओके व्यूअर्स, मुझे ये बताना है कि आजकल कौन सा कलर आपको ज्यादा पसंद है? ब्लैक. तो यार चलिए ठीक हो गया. लास्ट क्वेश्चन, जेलसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए. नहीं सीरियसली? तो कहते हैं जेलस थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि आपको आप आगे निकल सको. आगे जा नहीं, बस अपने काम में लगे रहोगे तो आगे तो निकल ही जाओगे. जेलस हो गए तो कुछ ज्यादा आगे नहीं जा सकते आप. सब अंदर देगा. ओके थैंक यू सो मच लव. थैंक यू. ओके व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने बात की, डिफरेंट लोगों से बात कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है कि उनको पहले ही जवाब बताया था और जवाब में जब मैं पूछता हूँ सवाल तो वही वो जवाब दे देते हैं. क्या बात है. चलिए आइए आगे दूसरे. जो घूम रहे हैं आस पास और हम फिर आगे थैंक यू सो मच. यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं वो घूम फिर रहे हैं और ऐसे तरी बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कमरे में चली जाएगी. चलिए आइए आगे लोगों से बात करते हैं. As you know that इवेंट के पीछे कोई ना कोई होता है और जो इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाता है. चलिए आइए आपसे वो मिलाते हैं बिलाल मुख्तार से, जिनका ये इवेंट है और नो डाउट अबाउट इनके इवेंट हमेशा ही अच्छे होते हैं. अस्सलाम वालेकुम बिलाल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं क्या हाल है? गिले बता दें आपको मुझसे. गिले ये है कि आप सबकी क्लास ही लगाते रहते मेरे. क्लास हाथ तो गया, आपको तो दिखा ही रहा था. ओके बिलाल, गिले बस सबसे ज्यादा. ओके बिलाल, ये इवेंट क्या एक्सपेक्टेशन है इससे और इस ब्रांड के लिए आपने अरेंज किया है, क्या हायर मिलेगी ब्रांड? सबसे पहली बात तो ये कि एक तो जिस जगह पे उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया वो जगह ही सबसे पाकिस्तान की बेस्ट जगह, PFDC से ज़्यादा बेहतर जगह हो ही नहीं सकती. दैट इज़ द फर्स्ट माइलेज एंड द बिगेस्ट ब्रेक दे हैड. उसके अलावा टू बी ऑनेस्ट, उनके कपड़े सस्ते हैं और जब आप इतनी बड़ी मार्केट में होते हैं जिसमें ये भी डिज़ाइनर है, वो भी डिज़ाइनर है, वो भी डिज़ाइनर है, जब तक आपके पैसे अकॉर्डिंग टू द मार्केट आपके कम नहीं होंगे आपकी चीज़ें बिकेंगी. सो उस लिहाज से दे आर वेरी गुड. ओके एट द एंड किसी को कोई मैसेज रिगार्डिंग दिस इवेंट और रिगार्डिंग योर कमिंग इवेंट? मैसेज रिगार्डिंग दिस इवेंट के आज जो नहीं आया बहुत ही बुरी बात है. बहुत गलत बात भी है. वो प्लीज़ ज़रूर आए बिकॉज दिस प्लेस इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम. उनका जाए के यहाँ पे पहनों का कम एंड हैव अ चेक इट आउट. और जहाँ तक फ्यूचर में इवेंट की बात है आप होंगे तो सबको पता चलता है, सबको पता चलता रहेगा. थैंक यू सो मच बिलाल, इट्स अ लवली टॉकिंग टू यू. ओके व्यूअर्स, ये तो थे बिलाल हमारे साथ और एज यू नो बात कर रहे हैं लोगों से और आपके सामने सब कुछ चल रहा है. चलिए आइए. आपका नाम? सोनिया खान. सोनिया खान एंड यू? सहबेग. सहर काशिफ. सहर काशिफ, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा खुद भी फैशन डिजाइनिंग से बहुत अरसे का रिश्ता है, लेकिन मुझे जितने ये यंगस्टर्स आके कर रहे हैं मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. वेरी नाइस. आपके क्या? बहुत अच्छे डिजाइन, सारे बहुत अच्छे हैं, कलर स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, कट्स भी बहुत स्मार्ट है एंड द बेस्ट थिंग इज प्राइस इज वेरी नाइस. वेरी नाइस. ओके एट द एंड बिल्कुल आपसे अल्लाह से पूछूंगा. लोग कहते हैं जेलस होना चाहिए, जेलस होकर बंदा आगे निकलता है और अच्छी चीजें होती हैं, ये वो फ्लाम. डू यू थिंक जेलस होना? नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हमें बहुत प्रमोट करना चाहिए, यंगस्टर्स को बहुत प्रमोट करना चाहिए और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है. डेफिनेटली हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, सो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है.
लेकिन जेलसी बैड वे मेरी होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होनी चाहिए. चलिए थैंक यू सो मच, लव यू टॉकिंग टू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ. बट ओके रिव्यूअर्स, एज यू नो कि हमने बात की, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? मानी. नूर, कैसी हैं आप? ठीक हूँ. ब्रांड एक्सपेक्टेशन कैसा लग रहा? Yeah, it's going to be bombastic, I'm telling you. Sana Khan, she's always been my friend since school. And she always used to dress up. Dost ki tareef kyun karte hain? Kyunki dost, I guess dost ki tareef karega, aur kaun karega? Dost ki karega, aur kaun karega? Good ho gaya. Okay. Do you think jealousy honi chahiye? Jealousy, sirf wahan pe honi chahiye jahan pe, you know, you're having competition. Baaki jo, baaki cheeze hain. Toot padan cheezon mein jealousy. आपने देखा कि हमने लोगों से बात की, डिफरेंट लोगों से बात की. आई होप सो कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे मेलिंग आईडी पे जो कि है follow@kohinoor.tv. दिस इज योर होस्ट अहमद खान, साइनिंग ऑफ. टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय.